हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, ये वाली इयररिंग्स है जिसको नोज़ में मैं पहनी हुई हूँ। तो आज के वीडियो में आपको यही वाला नोज़ रिंग पहन करके और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कैसे पहनना है और लुक कैसा आता है। खैर, थोड़ा सा झलक तो आपने देख ही लिया। तो चलिए, आइए इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो सबसे पहले ही आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर हर समय आपको नोज़ रिंग या नोज़ पिन से जुड़ा हुआ वीडियो मिल जाएगा। तो आज मैं नहा कर अच्छे से बालों को शैम्पू करी थी, और इसके पहले मैंने ऑयलिंग की थी अपने बालों में। तो अभी बाल मेरे गीले हैं, बस उसको अच्छे से सुलझा ली हूँ, अभी सूखे नहीं हैं अच्छे से, तो थोड़े थोड़े ड्राई होना बाकी है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों को वीडियो प्रेजेंट करूँगी नोज़ रिंग की। तो मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे स्टाइलिस्ट और सिंपल, यहाँ तक कि जो इयररिंग्स होते हैं उसको नोज़ में कैसे पहने, इस टाइप की वीडियो आपको काफ़ी सारे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो जब भी मैं नहा करके आती हूँ ना, तो मेरे कानों में खुजली, नाक में ऐसे खुजली, ऐसे बहुत इधर उधर मुझे खुजलियाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली इयररिंग्स जो है बड़ी बड़ी, तो ऐसे ही नाक में मैं पहनी हूँ, लेकिन ऐसे ही मैं ना चार, मतलब दो जोड़े खरीदे हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है झुमका, है ये झुमका, इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना ज़्यादा हल्का है ना कि मुझे इतना पसंद आया, ये बहुत ज़्यादा पसंद आया कि मैंने ना इसका साइज छोटा मैं ले रही थी, लेकिन इसी में इनके पास, जहाँ से मैं ली हूँ बताऊँगी, उनके पास दो साइजेस थे, मतलब कि एक बड़ी थी एक छोटी। तो बड़ी वाली देखिए मैं अभी कान में पहनी हूँ, ठीक है, और छोटी जो है इससे थोड़ी सी स्मॉल, वो अभी मैं नाक में आपको पहन कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सिंदूर अभी मैं लगा चुकी हूँ। मेरे YouTube चैनल पे अभी आपको कुछ दिनों बाद आपको ना बहुत सारे सिंदूर के स्टाइल वाली वीडियो आपको मिलेंगे, जल्द ही चैनल पे आएगा। जो महिलाएं सिंदूर लगाने का तरीका देखना चाहते हैं कि किस किस तरह का हम सिंदूर लगा सकते हैं, काफ़ी सारे वेराइटीज़ होते हैं, टाइप्स होते हैं सिंदूर लगाने के, तो सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँगे, मतलब एक ही वीडियो में काफ़ी सारे होंगे। तो ये देखिए, सिंदूर लगाई थी, तो इसके साथ भी मैं एक वीडियो बना लूँगी नोज़ रिंग की। तो चलिए, इसको मैं पहनूँगी। पहले आप देख लीजिए कि ये है छोटी साइज, जो मैं कान में पहनी हूँ ना वो थोड़ा बड़ा है, और जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो थोड़ा सा छोटा है, और इसमें ना झुमका बना हुआ है और नीचे में पर्ल लगे हुए हैं, यानी कि मोती लगे हुए हैं। तो ऊपर जो कान में मैं पहनी हूँ वो जो मोती लगा हुआ है वो क्रीम कलर का है, थोड़ा येलो शेड में क्रीम कलर का है, और जो ये पहन रही हूँ मैं, पहनूँगी, वो वाइट कलर का है, उजला सफ़ेद। तो चलिए, पहले तो जो मैं पहनी हूँ नाक में सोने का, उसको निकाल के रख दूँगी और फिर उसको पहनूँगी। तो नाक देखिए मेरी एकदम खाली खाली दिख रही है, खाली खाली मेरा नाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे एक कमेंट भी आया था, खैर वो मेरे ही लिए कह रही थी, बताऊंगी क्या कमेंट आया था। तो ये देखिए, झुमका है, वैसे आप इसको मंदिर की घंटी भी समझ सकते हो। देखिए इस तरह से डिज़ाइन है, मोती लगा हुआ है किनारे किनारे, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। हमारे घर तरफ ना संडे को और थर्सडे को, दो दिन यानी कि गुरुवार और रविवार को, एक लूना से सिंगार वगैरह, जैसे लेडीज़ का बहुत सारा चीज़ होता है, मेकअप टेकअप का सारा सामान लेकर के आते हैं, तो उन्हीं के पास से मैं पूछी कि इयररिंग्स अगर कुछ है, और मैं ऐसी चीज़ें तलाशते रहती हूँ ना इयररिंग्स में भी, कि जिसको मैं नोज़ में पहन करके वीडियो बना लूँ। तो ये मुझे दिखी, खैर मैं इयररिंग्स के लिए ली हूँ, लेकिन नोज़ में तो एक ही दिन मैं पहन कर वीडियो बनाऊँगी ना, लेकिन पहनना तो है मुझे कान में ही। तो चलिए, इसको मैं पहन रही हूँ। देखिए ये इतना ज़्यादा हल्का है ना, इतना मतलब हल्का है कि मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरा कान का छेद काफ़ी बड़ा है, नाक का भी छेद मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत आराम से देख सकते हैं कि ये घुस गया। और ये पतली नहीं है, ये थोड़ी चपटी है, देखिए आपको दिख रही है ना। तो इसको देखिए मैं ऐसे पहन रही हूँ, लॉक करने वाला है ये, इस तरह से लॉक हो गया और ये खुलेगी नहीं, देखिए इस तरह से ये उसके अंदर घुस के चिपक गया है। तो ये देखिए मैं नाक में पहन ली हूँ, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो देखिए, अगर मेरे चैनल पे हैं तो आपको इतना वैरायटी मिल जाएगा कि हाँ क्या क्या आप अपने नाक में स्टाइल कर सकते हो। अगर नोज़ ज्वेलरी के हिसाब से अगर आपको कुछ फैशन के हिसाब से सीखना है कि नाक में क्या क्या पहना जाए, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो देखिए, पहले भी काफ़ी सारे वीडियो हैं, बैक में जाकर देखिए, एक दो साल से मैं हूँ नोज़ रिंग और नोज़ पिन की सारी वीडियो डाल रही हूँ, ठीक है, एक दो साल हो ही गए।
और उसके पहले से फीट की चल ही रही है, और ब्यूटीशियन की जो भी वीडियोस आती है, मेकअप वगैरह, हेयर स्टाइल जो भी है, हेयर कटिंग की वीडियो आती है, मैं डालते रहती हूँ। तो वो सब भी देखना पसंद करते हो तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ी सी मुझे गुदगुदी हो रही थी जब इसको पहनी थी ना, तो लिप्स पे एक लिप्स मेरा छिप जा रहा था, जैसे जो मेरा होठ है उसके ऊपर ऐसे कर्व बना हुआ है ना, ओट उठा हुआ है मेरा, तो एक साइड का छिप जा रहा था। लग रहा था कि मेरा एक तरफ का फूला हुआ ओट है और दूसरी तरफ मेरा ओट ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। तो मैं आंचल भी ले ली हूँ, थोड़ा सा दुल्हन की तरह अगर देखा जाए तो कितना अच्छा लगता है। देखिए इस टाइप का नोज़ रिंग जो है ना, वो आप कब पहनोगे कि आपको अच्छा लगेगा? या तो आप लहंगे के साथ पहनो, साड़ी के साथ पहनो, पटियाला सूट के साथ पहनो, कोई अच्छा सा भारी भरकम अगर आप सूट पहने हो तो भी इस टाइप का आप नोज़ में पहन सकते हैं। ये थोड़ी बड़ी है, साड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। देखिए हर बार आप एक जैसा पहनने से अच्छा है कुछ नया कर लीजिए, क्योंकि आजकल नथिया भी मिलने लगा है, वो काफ़ी तरह तरह के मिलते हैं। तो हमारे घर तरफ आए थे तो ये वाला जो नाक में मैं पहनी हूँ ना, तो ये वाला मुझे मिला था 40 रुपये का, क्योंकि इसका थोड़ा साइज कम है इसलिए। और जो मैं कान में पहनी हूँ वो मुझे 50 रुपये की मिली थी, तो मैंने पूरा पूरा ही पैसा, उन्होंने 1 रुपये भी कम नहीं किया, तो पूरा ही पूरा पैसा पेड करी हूँ मैं। और देखिए ये दोनों है, तो दोनों कान में पहनने वाला है लेकिन मैं नाक में देखिए पहनी हूँ। और हाँ, आने वाले समय में, यानी कि ये वीडियो आपने देख ली तो इसके बाद जो मैं एक और वीडियो बनाई हूँ यही वाला लुक और यही साड़ी के साथ ही पहनी हुई, यही नोज़ रिंग रहेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम, अभी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं दूसरा भी पहन लूँ, फिर सोची नहीं 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 बाद में। तो यहाँ देखिए मैं दूसरा मतलब डालने की कोशिश कर रही थी कि दो दो पहन करके आपको दिखा दूँ, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। दो जो पहनूंगी ना नाक में, वो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। तो बाद में मैं क्या बनाई हूँ, वीडियो बन चुकी है, बस आपके पास आने का देरी है। तो मैं अपने एक नाक के छेद में एक नोज़ रिंग तो पहन ही ली, ईयरिंग्स को नोज़ रिंग की जगह, तो इसी तरह ये जो दोनों ईयरिंग्स है इसको दोनों को नाक में पहनूंगी, और जो कान में पहनी हूँ अभी उसको भी मैं नाक में पहनूंगी, यानी कि चार चार ईयरिंग्स को नाक में मैं घुसाने वाली हूँ। और वो अटती है कि नहीं अटती है ये तो आपको वीडियो में ही देख कर पता चलेगा। तो वो वीडियो थोड़ा एंटरटेनमेंट के हिसाब से सही है, तो उस वीडियो का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करिएगा। उस वीडियो को मैं काफ़ी मेहनत से बनाई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। आप समझ सकते हो कि एक नोज़ में गया है, ठीक है, उसके बाद दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, कितना दर्द देगा। तो मैंने बहुत दर्द भी बर्दाश्त किया है इसके बाद वाली जो वीडियो बनाई है उसमें, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। और फिर से जाते जाते यही कहूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और पिछली बार तो मुझे 3 मंथ में सैलरी आई थी, बहुत कम आई थी, इस बार शायद मुझे 2 मंथ में मिल जाए, क्योंकि पहले मेरा दो दो मंथ में आ जा रहा था, अभी नहीं आ रहा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करिए। और अगर कुछ ख़राब लगता है ना तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि मैम ये सारी वीडियो मत डालिए, या ये आपने एक्स्ट्रा डाल दिया, ये मत डालिए। आप कुछ आइडियाज़ भी दीजिए मैं क्या बनाऊँ, और मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप ही देते हो, तभी मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। तो और भी आगे मांग रही हूँ आप लोगों से आइडियाज़, प्लीज़ दीजिए, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा पैसा कमाऊँ, ताकि मैं कुछ अपने सपने पूरे कर सकूँ, है ना। तो मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, आप मेहनत करिए ताकि मैं कुछ कमा लूँ। चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।